नमस्कार सभी को। और आज हम बात करेंगे आईएसएल 2022 सीजन के लिए टॉप इंडियन प्लेयर्स के जो ट्रांसफर्स हुए हैं, तो इसमें हम पांच ट्रांसफर्स लेंगे आईएसएल टू आईएसएल क्लब के और पांच लेंगे हम आई लीग टू आईएसएल क्लब के लिए। फिर उसके बाद आप आपके ओपिनियन दीजिएगा कि क्या आपको भी इस ट्रांसफर विंडो में जो इंडियन प्लेयर्स के ट्रांसफर हुए हैं उनमें यही बेस्ट लगते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं टॉप 10 इंडियन प्लेयर्स के ट्रांसफर्स के बारे में। तो सबसे पहला नाम अगर मेरे दिमाग में आपके दिमाग में भी आएगा तो वो मुझे लगता है आएगा आसिक कुरनियन भाई का नाम। तो आसिक कुरनियन भाई का जो परफॉर्मेंस रहा है आईएसएल में भी और इंडिया टीम से भी, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया एकदम लाजवाब। तो बेंगलुरु एफसी से वो गए एटी के मोहन बगान में और इस सीजन एटी के मोहन बगान में वो क्या अपना जलवा दिखाते हैं, इसके ये देखने के लिए मैं भी बहुत उत्साहित हूँ और मुझे लगता है कि आप भी उतने ही उतावले होंगे कि आसिक भाई कितना अच्छा खेलेंगे। और हम यही आशा करेंगे कि वो भैया डिफेंस पोजीशन में ना खेले, वो विंगर पे खेले, क्योंकि वहाँ पे भैया वो एकदम आग लगा देते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह का वो खेल दिखाएंगे एटी के मोहन बगान में। इसके बाद दूसरे ट्रांसफर की तरफ बढ़ते हैं तो वो नाम आता है आशीष राय भाई का। तो आशीष राय भाई हैदराबाद से गए हैं एटी के मोहन बगान में और हैदराबाद के लिए उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल पता है और आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे आशीष भाई को देखने के लिए एटी के मोहन बगान की जर्सी में और फील्ड पर उनके साइड से वो बिल्कुल फायरिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो देखते हैं कि आशीष भाई भी कितना सॉलिड परफॉर्मेंस देते हैं एटी के मोहन बगान के लिए। उसके बाद तीसरे ट्रांसफर की तरफ चले तो वो आता है हीरा मंडल भाई। तो हीरा मंडल भाई जो है ईस्ट बंगाल से गए बेंगलुरु एफसी में और हीरा मंडल भाई का परफॉर्मेंस आपने ईस्ट बंगाल में देखा, मतलब वहां पे उनका परफॉर्मेंस जो है पूरा फैंस डिमांड ये तक कर रहे थे कि वो इंडिया टीम में भी मिले उनको जगह। तो आपको पता ही है कि उनके कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, उनका परफॉर्मेंस बोलता है बस। तो बेंगलुरु एफसी में वो गए हैं और अब हम यहाँ देखेंगे कि वो किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाते हैं बेंगलुरु एफसी में। इसके बाद अगले ट्रांसफर पे चलते हैं तो वो है प्रबीर दास भाई और प्रबीर दास भाई गए एटी के मोहन बगान से बेंगलुरु एफसी में। तो प्रबीर भाई का जब परफॉर्मेंस की बात आती तो आपको पता है कि वो एनर्जी, वो एग्रेशन, वो आपको बिल्कुल प्रबीर भाई के परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है, वो असिस्ट वगैरह, एकदम अटैकिंग माइंडसेट वाले डिफेंडर है वो। तो अब देखने वाली बात ये रही कि देखिए हीरा मंडल भाई भी डिफेंडर है, मतलब लेफ्ट बैक खेलेंगे वो और फिर प्रबीर भाई राइट बैक है, लेकिन अगर आप बेंगलुरु एफसी की करंट टीम देखें तो वहाँ पर ऑलरेडी डिफेंडर्स है। तो अब देखने वाली बात यह रहेगी कि प्रबीर भाई किस तरह से खेलेंगे, हीरा मंडल भाई किस तरह से खेलेंगे, तो ये थोड़ा देखने की बात रहेगी। तो मजा आने वाला है मतलब आपको इस सीजन बेंगलुरु एफसी की डिफेंस लाइन देखने में। इसके बाद पांचवें ट्रांसफर की तरफ हम बढ़े तो वो नाम आता है जर्मन प्रीत सिंह भाई का, तो जो कि चेन्नईयन से जमशेदपुर एफसी में साइन हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आप बोल सकती है और भी कई नाम आपके दिमाग में आ सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि जर्मन प्रीत भाई ने जो चेन्नई एफसी के लिए परफॉर्मेंस दिया है या वो जिस तरह का डिफेंसिव मिडफील्ड में गेम दिखाते हैं तो जमशेदपुर एफसी के लिए मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएंगे वो जमशेदपुर एफसी के लिए, क्योंकि डिफेंसिव मिडफील्ड वो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ये होगा टॉप 5 आईएसएल टू आईएसएल क्लब्स के जो इंडियन प्लेयर्स के ट्रांसफर हुए हैं वो। अब हम बात करेंगे जो आई लीग टू आईएसएल के क्लब्स में ट्रांसफर हुए हैं ना इंडियन प्लेयर्स के, उसके बारे में। तो इसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहला नाम मैं बोलूंगा तो वो है जितेश्वर सिंह भाई का, जो कि नेरोका एफसी से चेन्नईयन एफसी में आए हैं और ये आई लीग 2021 सीजन के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी बने। तो बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस इनके साइड से आई लीग के सीजन में देखने को मिला है। तो चेन्नईयन एफसी में किस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं ये बहुत ही देखने वाली बात रहेगी और हम यही आशा करेंगे कि उनको वहां पर गेम टाइम मिलेगा और जो परफॉर्मेंस उन्होंने आई लीग में दिया वैसा ही वो बिल्कुल कोशिश करेंगे उतना ही देने की। इसके बाद अगले ट्रांसफर की तरफ बढ़े तो वो है जितिन एमएस भाई का, जो कि गोकुलम से गए हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में और जितिन एमएस भाई का बहुत ही शानदार सीजन रहा है गोकुलम से, आई लीग जीता उन्होंने कंटिन्यू दो बार और वो बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द सीजन भी बने इस सीजन आई लीग के। तो बहुत ही शानदार वो प्लेयर है और बिल्कुल हम चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में अपना करिश्मा दिखाएं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट की टीम पता नहीं उस इस टाइप की बनी है कि नहीं, कि वो उतना टॉप परफॉर्मेंस देगी या नहीं, क्योंकि उस तरह से ट्रांसफर्स हमको सुनने को नहीं मिल पा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की साइड से। बाकी देखते हैं कि जितिन एमएस भाई अपना क्या रोल निभा पाएंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए। इसके बाद अगले खिलाड़ी है ब्रेस मिरांडा, जो कि गए चर्चिल ब्रदर्स से केरला ब्लास्टर्स में, जो कि एक बहुत ही शानदार ट्रांसफर मैं कहूंगा इस सीजन का। और ब्रेस भाई का परफॉर्मेंस जो कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिला होगा आई लीग में चर्चिल के लिए, मतलब लाजवाब परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है और बहुत ही एक अच्छा ट्रांसफर मैं मानूंगा केरला ब्लास्टर्स के लिए। और उम्मीद यही रहेगी कि गेम टाइम प्रॉपर मिले, क्योंकि ब्रेस मिरांडा जो है एक फ्यूचर प्लेयर के रूप में आप उनको देख सकते हैं कि फ्यूचर में बहुत अच्छे प्लेयर वो बन सकते हैं अगर उनको सही से गेम टाइम मिलते रहेगा। तो
तो हम यही आशा करेंगे कि ब्रेस मिरांडा भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे केरला ब्लास्टर्स के लिए। इसके बाद अगले खिलाड़ी आते हैं फैसल अली, जो कि मोहम्मदन से बेंगलुरु एफसी में गए और भैया बहुत ही शानदार प्लेयर है। मतलब इनका परफॉर्मेंस आप देखिए आई लीग में मोहम्मदन के लिए बहुत ही शानदार, मतलब एकदम धारदार खिलाड़ी। तो बेंगलुरु एफसी को एक बहुत ही शानदार प्लेयर मिल चुका है और हम यही यहाँ पे भी यही उम्मीद करेंगे कि गेम टाइम, क्योंकि क्या होता है कि अच्छे अच्छे प्लेयर्स जाते तो आईएसएल में लेकिन गेम टाइम नहीं मिलता, इसकी वजह से फिर कुछ हो जाता है। और ये भी हम आशा करेंगे कि जो प्लेयर्स के ट्रांसफर्स हुए हैं वो इंजर्ड ना हो, क्योंकि इंजरी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन जाती है जो परफॉर्मेंस में आड़े आती है। तो फैसल अली एक बहुत अच्छा ट्रांसफर है बेंगलुरु एफसी के लिए और ये देखने वाली बात है कि किस तरह से उनका यूज वहां पे किया जाता है। देखिए मोहम्मदन में तो उनको देखा ही है कि कितना शानदार वो अपना रोल निभाते हैं, एक क्रिएटिवनेस दिखती है उनके गेम में, तो अब यही उम्मीद रहेगी कि बेंगलुरु एफसी के लिए भी वो हमको दिखे। इसके बाद जो लास्ट ट्रांसफर है वो है आकाश सांगवान भाई का, जो कि राउंड ग्लास पंजाब से गए हैं चेन्नई एफसी में। और देखिए ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस मतलब कि डिफेंडर है और इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है राउंड ग्लास पंजाब के लिए और सीजन भी अच्छा निकला है, तो मैं यही होप करूंगा कि चेन्नई में भी बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस दे, उनको गेम टाइम भी मिले। तो इस तरह से ये जो थे टॉप 10 ट्रांसफर इंडियन प्लेयर्स के इस सीजन आईएसएल टू आईएसएल और आई लीग टू आईएसएल। तो आप क्या बिल्कुल सहमत होते हैं जो मैंने नाम लिए कि टॉप 10 ट्रांसफर्स ये थे इंडियन प्लेयर्स के? अगर आपको ऐसा लगता है कि टॉप 10 ट्रांसफर में कोई अलग दूसरा प्लेयर भी हो सकता है तो आप बिल्कुल कमेंट में उनका नाम मेंशन कीजिए और ट्रांसफर भी मेंशन कीजिए कि किस क्लब से किस क्लब में वो गया है। और जो भी ये ट्रांसफर्स हुए हैं इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि किस तरह से वो गेम प्ले कर सकते हैं, किस तरह से खेल सकते हैं, इसके बारे में भी आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट में आप लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है? तो बिल्कुल मतलब इस सीजन जो है आईएसएल 2022 बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, तो बिल्कुल हम आशा करते हैं कि जितना प्लेयर्स के ट्रांसफर इतने एक्साइटिंग हो रहे हैं ना उतना ही सीजन भी एक्साइटिंग निकले और मजा आए। तो बिल्कुल आपकी जो भी प्रतिक्रिया है प्लेयर ट्रांसफर्स के बारे में, इंडियन प्लेयर्स के बारे में, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है? और आगे अभी हम और आईएसएल 2022 के ट्रांसफर्स एंड अदर जो भी चीजें उसके बारे में बातें हम करते रहेंगे। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।